सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आइए अब हम सब जानते हैं श्री साईं बाबा जी का व्यक्तित्व, जो कि हेमाड पंत जी द्वारा श्री साईं सचित्र में वर्णन किया गया है। श्री साईं बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। उन्होंने इस भव सागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहां आश्रय पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों के सार रूप थे। ऐहिक पदार्थों से उन्हें अरुचि थी तथा सदा आत्मस्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं गई थी। उनका हृदय शीशे के सदृश उज्ज्वल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता ना थी। वे निर्भर होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते, नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखते और गजन कवालियां भी सुनते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग ना होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर था। जब दुनिया जागती तो वे सोते और जब दुनिया सोती तो वे जागते थे। उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। ना उनके आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था और ना ही उनकी कार्यप्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वह एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था। वह प्रतिदिन अनेक कवि दंतियों कहते थे, परंतु उनकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित ना होती थी। वह सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा प्रातः मध्यान्ह और सायकालिक लेंडी और चावड़ी की ओर वायु सेवन करने जाते तो भी सदा आत्मस्थित ही रहते थे। स्वतः से दृढ़ होकर भी वे साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु व अभिमान रहित थे। उन्होंने सदा सबके सुख पहुंचाया। ऐसे थे श्री साईं बाबा। उनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई। उनका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलिंदी और एकनाथ ने पैठण का उत्थान किया, वहीं गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें श्री साईं चरणाम्बुजों का चुंबन तथा उनकी चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तगण को शिरडी का दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, महाकालेश्वर, गोणकर, महालेश्वर बन गई। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का पथ सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था और उनके वार्तालाप करने से समस्त पाप पर नष्ट हो जाते थे। उनका पाद सेवन ही करना त्रिवेणी स्नान के समान था तथा चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति होती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद सदृश थी। प्रसाद तथा उदीर ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वह ही हमारे राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वह ही हमारे पार ब्रह्म थे। वे छंदों से परे पहते तथा कभी निराश व हताश नहीं होते थे। वह सदा आत्मस्थित, चैतन्य घन तथा आनंद की मंगल मूर्ति थे। कहने का तो वह शिरडी तथा उनके मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्यक्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तक विस्तृत था।
श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चहुं ओर फैलने लगी और जगह जगह से उनके दर्शनार्थ आकर भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्य, चाहे वह शुद्ध अथवा अशुद्ध हृदय के हों, के चित्त को परम शांति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसे कि पंढरपुर में श्री विट्ठल के दर्शन से होता है। यह कोई अतिशोक्ति नहीं है। बोल मेरे सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।